राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका ज्योतिष धर्म चैनल पर। आइए जानते हैं 18 अगस्त का राशिफल। मेष राशि, आज आपका दिन खुशियों भरा रहने वाला है। नौकरी में वेतन वृद्धि हो सकती है। सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होगा। व्यापार में रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। नया मकान या वाहन लेने का विचार बन सकता है। आज आपका कोई रिश्तेदार आपसे मिलने आ सकता है। शनि मंदिर में काले तिल का दान करें। सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करें। वृष राशि, आज आपका दिन मिला जुला फल देगा। नौकरी में आपके काम की प्रशंसा होगी। सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होगा। विद्यार्थी वर्ग को सफलता मिलेगी। आज आप किसी से बहस ना करें। वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखें। व्यर्थ के खर्च से बचें। कृष लेने की परिस्थिति बन सकती है। हनुमान जी की पूजा करें। मिथुन राशि, आज आपका दिन अशुभ फलदायी रहेगा। नौकरी में किसी से विवाद ना करें। व्यापार में साझेदार के सुझाव पर ध्यान दें। विद्यार्थी वर्ग पढ़ाई में ध्यान लगाएं। आज कहीं भी धन का निवेश न करें। माता पिता के साथ वैचारिक मतभेद से बचें। वाहन धीमी गति से चलाएं। आत्मविश्वास में कमी रहेगी। आज किसी को पैसा उधार न दें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिदेव के मंत्रों का जाप करें। कर्क राशि, आज आपका दिन सामान्य फलदायी रहेगा। नौकरी में परेशानी का अनुभव करेंगे। व्यापार में साझेदार के साथ अनबन हो सकती है। संतान से वैचारिक मतभेद हो सकता है। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। घर में कोई धार्मिक कार्य हो सकता है। कोई शुभ समाचार मिल सकता है। प्रेम संबंध में विवाद की स्थिति न बनने दें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। शिव जी का दूध से अभिषेक करें। सिंह राशि, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। कार्यक्षेत्र पर सफलता मिलेगी। नौकरी में पदोन्नति के साथ वेतन वृद्धि हो सकती है। व्यापार में नई साझेदारी से लाभ होगा। बैंक बैलेंस में वृद्धि हो सकती है। घर में शुभ मांगलिक कार्य हो सकता है। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। कन्या राशि, आत्मविश्वास में कमी रहेगी। व्यापार में काम में रुकावट आएगी। व्यर्थ के खर्च से बचें। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। धार्मिक कार्य में मन लगेगा। समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। कोई शुभ समाचार मिल सकता है। शिव जी का गन्ने के रस से अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय मंत्र की माला करें। तुला राशि, नौकरी में प्रमोशन रुक सकता है। व्यापार में किसी पर भरोसा ना करें। संतान की तरफ से चिंता बनी रहेगी। बैंक बैलेंस में कमी आएगी। वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखें। पिता का सहयोग प्राप्त होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शिव जी का अभिषेक करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। वृश्चिक राशि, आज आपका दिन शुभ रहेगा। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कार्यस्थल पर मान सम्मान की प्राप्ति होगी। व्यापार में रुके हुए काम पूरे होंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा। विद्यार्थी वर्ग को सफलता मिलेगी। प्रेम संबंध मधुर होंगे। भाई बहन के संबंध मधुर रहेंगे। आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। शिवजी के मंत्रों का जाप करें। शिवजी का जलाभिषेक करें। धनु राशि, नौकरी में परेशानी आ सकती है। व्यापार में किसी पर भरोसा ना करें।
व्यर्थ के खर्च पर नियंत्रण रखें। अपने भाई के साथ सामंजस्य बनाए रखें। परिवार में हो रहे विवाद सुलझ जाएंगे। धन संचय करने का अच्छा समय है। नया वाहन खरीद सकते हैं। शनिदेव का तेल से अभिषेक करें। पीपल पर तेल का दीपक जलाएं। मकर राशि, नौकरी में काम की प्रशंसा होगी। आपकी वेतन वृद्धि हो सकती है। व्यापार में नया काम शुरू हो सकता है। संतान को सफलता मिलेगी। अविवाहित जातक का शादी का प्रस्ताव आ सकता है। जीवन साथी से विवाद की स्थिति ना बनने दें। माता पिता का सहयोग मिलेगा। शिवजी का शहद से अभिषेक करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। कुंभ राशि, नौकरी में संभल कर काम करें। व्यापार में धन का लेन देन सोच समझ कर करें। आपका धन कहीं फंस सकता है। यात्रा में जा रहे हो तो सामान का ध्यान रखें। आज किसी से भी बहस ना करें। पैसे के मामले में आज का दिन संभल कर व्यतीत करें। हरा रंग शुभ रहेगा। गाय को हरा चारा खिलाएं। मीन राशि, कार्यस्थल पर सम्मान की प्राप्ति होगी। आपके काम से अधिकारी प्रसन्न रहेंगे। व्यापार में आय के नए साधन मिलेंगे। परिवार में खुशी का वातावरण रहेगा। भाई बहन का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा। शिव जी का अभिषेक करें। शिव जी के मंत्रों का जाप करें। ये था 18 अगस्त का राशिफल। ज्योतिष और धर्म से जुड़े वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। राधे राधे।